का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। जी हां, दरभंगा एयरपोर्ट ने शुक्रवार को कार्गो विमान सेवा बहाल की है। इसी कड़ी में जहां पहले ही दिन लीची की पहली खेप कार्गो विमान से बाहर भेजी गई है। दरभंगा एयरपोर्ट से लीची ही नहीं बल्कि स्थानीय उत्पाद जिसमें मिथिला का पाक, मखान, मछली समेत अन्य उत्पादों से जुड़े व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। जी हां, लीची का स्वाद चखेगा पूरा भारत। शुक्रवार यानी 20 मई को कार्गो कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन दरभंगा एयरपोर्ट पर होने के साथ ही लीची की पहली खेप महानगरों के लिए रवाना कर दी गई। मालूम हो कि मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद अब देश के कोने कोने के लोग भी चख सकेंगे। इसके लिए दरभंगा हवाई मार्ग से लीची को महानगरों तक भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरभंगा हवाई जहाज से लीची को महानगरों तक भेजने में किसान और व्यापारियों को काफी हद तक फायदा मिलेगी। वहीं दूसरे ओर हवाई अड्डा मार्ग से लीची एक दिन बाहर पहुंचेगी, जिससे लीची की खराब होने की भी डर नहीं हो सकेगी। जी हां, सभी कार्गो में एयर कंडीशनर है। दरभंगा एयरपोर्ट पर कार्गो विमान खबर के प्रायोजक है। भरपूर उपज का वादा उपज वर्धक, मिट्टी का ताकत भूमि शोधक। जी हां, पूरे बिहार के साथ दरभंगा में आ चुका है बिहार जैविक क्रांति। मार्केट सेलर इंदिरा यूनिवर्स इंटरप्राइजेस, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर करकौली दरभंगा। मोबाइल नंबर 8541900809, दूसरा 9334651938। आज ही संपर्क करें खाद से संबंधित किसी भी सामान के लिए। लीची भेजने की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके लिए एयरपोर्ट के पश्चिमी गेट पर सेट बन गया है, जहां से कार्गो में लीची कुछ बुकिंग हुई थी और उसे भेज दी गई है। दरभंगा रूट से लीची को बाहर भेजे जाने से मांग तो बढ़ने के साथ ही बाजार मिलने पर भी लीची उत्पादकों की आमदनी में इफाजा होगा। बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट से प्रतिदिन करीबन 6 टन लीची बाहर भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। लीची को ताजी रखने के लिए सभी कार्गो में एयर कंडीशन भी लगा हुआ है। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट पर लीची की चेकिंग के लिए अलग से व्यवस्था की गई है।